कुत्ते के काटने पर अब आपको मिलेंगे 20,000 रुपए। जी हाँ, कोई भी आवारा चलता कुत्ता अगर आप लोगों पर हमला कर देता है तो आप लोगों को 20,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। अगर कुत्ते के दांत का निशान आता है तो 10,000 रुपए। अगर 0.2 सेंटीमीटर भी मांस स्किन से बाहर आ जाता है तो 20,000 रुपए तक आप लोगों को मुआवजा मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से। हाई कोर्ट द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। 193 केसेस पर सुनवाई करने के बाद इस बड़े फैसले को लागू करने की बात की गई। जी हाँ, पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से गाजियाबाद में एक लड़के को कुत्ते ने काटा, जिसके बाद वो कुत्ते की तरह भौंकने लगा था और उसकी मौत हो गई थी तड़प तड़प कर। इसके बाद इस बात पर तेजी से चर्चा तब होने लगी जब एक कंपनी के ओनर को जो है कुत्ते ने काटा और उसकी वजह से उससे बचाव के चलते वो भागने लगे और गिर गए और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी भी डेथ हो गई। और उनका नाम मैं आपको बता दूं कि मशहूर चाय कंपनी है बाघ बकरी, उसके CEO थे पराग देसाई। वो आवारा कुत्ते से हमले से बच रहे थे, कुत्ते ने हालांकि उन्हें काट लिया था, वो गिर गए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। ऐसे में इस तरीके के जो केसेस हैं उन पर चर्चाएं बढ़ने लगी, सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि आखिरकार ये जो आवारा कुत्तों के काटने की जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आखिरकार इसका मुआवजा कौन भरेगा। इसी पर, इन्हीं केसेस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट द्वारा जो है एक बेहद बढ़िया फैसला लिया गया है कि अब प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, सरकार द्वारा जो है ये मुआवजा भरा जाएगा। अगर कोई कुत्ता आपको काट लेता है, अगर उसके दांत का निशान आता है तो 10,000 रुपए आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर कि कोई कुत्ता काटता है, अगर स्किन से 0.2 सेंटीमीटर भी स्किन अगर बाहर आ जाती है तो आप लोगों को 20,000 रुपए तक का जो है मुआवजा मिलेगा। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस जो फैसला है ये हाई कोर्ट का, इसको लोग काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बाघ बकरी चाय के CEO की मौत ने एक बार फिर से बहस तेज कर दी और सोशल मीडिया पर लोग मांग करने लगे कि इनसे बचाव के लिए कदम उठाने ही होंगे। कुत्ते के काटने के मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कह दिया कि ऐसे मामलों में प्रशासन जवाबदेह होगा। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को आदेश दिया कि वो एक कमेटी बनाए जो तय करे कि कुत्ते के काटने या फिर किसी भी आवारा पशुओं के काटने से हमला करने पर कितना कितना मुआवजा दिया जाएगा। आवारा पशुओं में गायें, सांड, नील गाय, गधे, कुत्ते, भैंस, अन्य जानवर भी शामिल हैं। इस तरीके के काफी सारे केसेस जो है आ रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा कि आवारा पशुओं के हमले से जुड़े मामलों के मुआवजे के लिए बनने वाली समिति में डिप्टी कमिश्नर, SDA, ट्रैफिक पुलिस के SP अथवा DSP जैसे अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। अदालत का यह फैसला बेहद ज्यादा अहम है। जब आवारा कुत्तों की हमलों को लेकर बहस बढ़ रही है, यही नहीं ऐसे मामलों को लेकर समाज में जो है काफी ज्यादा गुस्सा भी है लोग, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई हैं। हाई कोर्ट के इस अहम और बढ़िया फैसले पर आप लोगों की क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। और इस तरीके की और वीडियोज देखने के लिए आज की आज टिप टॉप हरियाणा को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।